नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। घड़ी में बजने वाले हैं 5 और मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है हमारे खास शो 5 की आज का, और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज सबसे पहले बात बजट की करेंगे। सरकार के पिटारे से आम आदमी के लिए क्या निकला, क्या सस्ता हुआ और क्या हुआ महंगा। साथ ही बताएंगे बजट को लेकर विपक्ष ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए सरकार ने त्योहार से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। बहनों ने हर महीने मिलने वाली राशि के अतिरिक्त 250 रुपए बहनों को अब दिए जाएंगे। उधर बात करेंगे कल से छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र की भी। इसको लेकर कांग्रेस का है स्पेशल प्लान। प्रदर्शन को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। महिला के साथ मारपीट के विरोध में गुना में हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेरा, और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। मुरैना में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। शिक्षक पढ़ाई की जगह किताबों के बंडल स्कूल लाने को हो रहे हैं मजबूर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लगातार 7वां बजट पेश किया। उनका 1 घंटे 23 मिनट का भाषण सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है। बजट में सबकी नजरें टैक्स पर लगी हुई थी, तो सबसे पहले बात टैक्स की ही कर लेते हैं। और इस बार बजट में टैक्स को लेकर लोगों के लिए राहत की खबर है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख तक अगर आपकी आमदनी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है, और 7 लाख से 10 लाख रुपए तक आय होने पर 10% टैक्स अब देना होगा। वहीं 10 से 12 लाख की अगर आपका सैलरी पैकेज है तो आपको 15% टैक्स देना होगा, और इसके अलावा 12 से 15 लाख सैलरी वालों को 20% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी की सैलरी 15 लाख से भी ज्यादा है तो उनसे 30% तक इनकम टैक्स भरना होगा। और बजट में नया टैक्स भले जोड़ा गया है लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो लोग पुराने टैक्स स्लैब में हैं उन पर किसी भी तरह के नए टैक्स का भार नहीं पड़ेगा। Regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august house. Jai Hind. और अब आपको बताते हैं नए टैक्स में स्लैब से आपको आखिर क्या फायदा होने वाला है। मान लीजिए आपकी सैलरी 8 लाख रुपए सालाना है, यानी कि साल भर में आप 8 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 5,200 रुपए का फायदा होगा। वहीं अगर आपकी सैलरी 11 लाख रुपए तक है तो एक साल में 10,400 रुपए का फायदा आपको होने जा रहा है। वहीं अगर किसी की सैलरी 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उससे एक साल में 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। यानी नए टैक्स स्लैब में पुराने टैक्स स्लैब से फायदा ज्यादा दिख रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए बजट से आम इंसान यानी कि आपको क्या मिला है वो बताते हैं। यानी बजट से आम आदमी की उम्मीद जो होती है कि सस्ता और महंगा आखिर क्या क्या हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत जो अन्य उपकरण है उन पर BCD 15% कम कर दिया गया है। यानी मोबाइल और मोबाइल के सामान भी सस्ते होंगे।
इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब इसे 6% कर दिया है, पहले ये 10% था। कस्टम ड्यूटी कम होने से सोने चांदी की कीमतों में कमी आ जाएगी, इससे आम लोगों को काफी फायदा तो होगा ही। इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर भी कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया गया है। और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। नीट पेपर लीक मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, देश भर की निगाहें इस मामले पर थी। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामला इस वक्त बता दें आपको सुनवाई हुई है, और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 लाख बच्चों ने 1.08 लाख सीट के लिए पेपर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है, सुरक्षित रख लिया है। दरअसल 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन ये मामला तब विवाद में आ गया जब कुछ पेपर लीक की खबरें आई, और इसी के बाद कई याचिका एक साथ सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, और अब सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य इस फैसले पर टिका हुआ है। तो हर गलत जवाब पर एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई आज, उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी रही, क्या कुछ हुआ है, सुनवाई की पूरी डिटेल आपको देंगे विस्तार से। लेकिन सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सुशील बताएं। लगातार लीक के मामले में अहम सुनवाई हुई, और सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों को सुना और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी चीफ जस्टिस स्मिथ के मामले में अपना आदेश लिखवा रहे हैं, और उन तमाम पहलुओं पर जो फिलहाल दलील देते समय तमाम चीजें कही गई, उन तमाम दलीलों को रखा जा रहा है। लेकिन जो प्रमुख बातें रही, उनमें सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ने ये माना कि जो एक ब्रॉड स्तर पर पेपर लीक की संभावना जताई जा रही थी, उस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस को ऐसा कोई सबूत याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी नहीं रखा गया जिसे ये माना जाए कि जो पेपर लीक जैसी घटना हुई थी उसका फायदा बहुत ज्यादा लोगों को मिला। अभी फिलहाल चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में आदेश लिखवा रहे हैं, तो हमें आदेश का इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वो आपको बता दें कि 24 लाख बच्चे जो कि इस टेस्ट में बैठे थे, और 1 लाख से ज्यादा सीटें हैं मेडिकल की जिन पर एडमिशन दिया जाना है, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इनकम टैक्स में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, ये हमने आपको बताया। अब बात युवा और छात्रों के लिए बजट में क्या खास रहा। यहाँ शिक्षा और रोजगार और कौशल के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ईपीएफओ के लिए नई योजना लाई जाएगी, और नई स्कीम से 10 लाख युवाओं को भी फायदा होने की बात कही जा रही है। पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए पीएफ में लाभ दिया जाएगा, और इसके लिए 15,000 रुपए की राशि नौकरी करने वाले युवाओं को 3 किश्तों में मिलेगी। ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने पर यह मदद दी जाएगी। तो वहीं उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियों की बात बजट में कही गई है। इतना नहीं, 5 साल में 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। साथ ही छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई बीच में ना छूटे। बजट में युवाओं को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, और इसमें 5,000 रुपए प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा, और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता भी दी जाएगी। तो मोदी 3.0 का बजट हर क्षेत्र और हर वर्ग के हित में बताया जा रहा है। इस बार बजट में सरकार ने 9 क्षेत्रों पर फोकस किया है, यानी विकास के लिए सरकार ने 9 क्षेत्रों को सेंटर में रखा है। सबसे पहले सरकार का फोकस कृषि और उत्पादकता और लचीलापन लाना है। साथ ही रोजगार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले, इसके लिए रोजगार और कौशल विकास पर फोकस किया गया है। साथ ही समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में फोकस रहा है।
विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार पर ध्यान दिया गया है। चलिए सरकार के बजट पर पीएम मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है ये। देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुन लिया। बजट पर अलग अलग जो रिएक्शंस आए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार की 9 सूत्रीय योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। ये बजट भारत को विकास के पथ पर सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी का ये बजट इंटरम बजट है, लेकिन हर एक क्षेत्र में, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सिंचाई हो, एक नई सोच विचारधारा के साथ भारत को अग्रसर कर रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का ये बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, वो स्पष्ट रूप से इस बजट में दिख रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हर वर्ग की तरक्की और बेहतरी का ध्यान इस बजट में रखा गया है। न केवल सैलरीड लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये विकसित भारत के संकल्प का बजट है और आने वाले समय में इसका असर दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ ने कोई प्रस्ताव भेजा था क्या, उस पर भी कुछ विचार हुआ है, कुछ खास जो सीधे तौर पर फायदा? देखिए, केंद्र सरकार से लगातार छत्तीसगढ़ को सहयोग मिल रहा है और आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ को भरपूर सहयोग केंद्र सरकार से। वही बजट को लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी की जनता ने बीजेपी को सभी 29 सीटों पर जीत दिलाई, लेकिन बजट में धोखा मिला। किसानों के लिए कई बड़ी बातें कही थी, मध्य प्रदेश को देश के बजट में कुछ नहीं मिला है। रोजगार देने की बात कही गई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी भारत में बढ़ रही है, पहले सिंगल झूठ और अब डबल झूठ के साथ सरकार काम कर रही है। बजट में कांग्रेस के न्याय पत्र की नकल करने की कोशिश की गई है। द पीपल ऑफ इंडिया, उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या? किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बजट बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को दी है एक सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन महीने में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। रक्षाबंधन पर जन प्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। मंत्रालय में हुई एक बैठक में उन्होंने ये ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है।
सावन महीने में हर एक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि ये राशि लाडली बहनों के लिए शासन की ओर से प्रति महीने जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहनों को हर महीने जारी होने वाले 1250 रुपए पहले की तरह उनके खाते में जारी किए जाएंगे। प्रदेश में करीब 1.29 करोड़ से अधिक लाडली बहनों की संख्या है। तो मोहन कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, 250 रुपए लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे अगस्त महीने की 1 तारीख को। और ये 250 रुपए वो होंगे जो 1250 रुपए के अतिरिक्त लाडली बहनों के खाते में आएंगे। दरअसल ये रक्षाबंधन का तोहफा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लाडली बहनों के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र के लिए विपक्षी कांग्रेस कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार है। इस मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं और कांग्रेस बिगड़ती कानून व्यवस्था, खासकर पिछले महीने बलौदा बाजार शहर में हुई हिंसा के विरोध में कल विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत किया था, जबकि बीजेपी सरकार ने महज 7 महीनों में इसे बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री पर खोखली बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के विधानसभा घेराव के चलते कई स्कूल भी बंद रखे जाएंगे। इस दौरान बताया जा रहा है कि विधानसभा मार्ग में पढ़ने वाले कई स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इससे करीब 25,000 छात्र भी प्रभावित होने जा रहे हैं। स्कूल बंद होने के चलते कल बच्चों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराई जाएगी और शिक्षा विभाग का समय पर कोर्स पूरा करने का भी जोर है। दरअसल अप्रैल महीने में गर्मी के चलते लंबे समय तक छुट्टियां रही थी, इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा था। और बात गुना की कर लेंगे। गुना में महिला से के साथ मारपीट के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया है। प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई जाए, साथ ही आरोपियों के घर बुलडोजर चलाकर ढहाए जाए। जितनी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे भी छुड़ाया जाए। साथ ही फतेहगढ़ थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग भी की गई है। प्रदर्शन को देखते हुए फतेहगढ़ थाने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर ये विवाद दोनों ही पक्षों के बीच में हुआ था। मुरैना की बात करते हैं, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीआरसी कार्यालय में छात्रों की किताबों को लाने की जिम्मेदारी अब शिक्षकों पर आ गई है। टीचर स्कूल को छोड़कर किताबें लाने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की जगह शिक्षकों पर गोदाम से किताबें लाने का दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के ग्रुप में एक मैसेज किया गया जिसमें लिखा गया कि जिन स्कूलों में किताब नहीं पहुंची है टीचर खुद आकर किताबें ले जाएं। इस आदेश के बाद टीचर खुद किताबें ले जाते हुए दिख रहे हैं। किताबों को सिर पर रखकर ले जाते हुए टीचर्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग और ट्रांसपोर्टर के मिलीभगत के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। यूं तो मुरैना ब्लॉक के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में किताबें पहुंचाने का टेंडर ग्वालियर के एक फर्म को दिया गया था। और बड़ी खबर इस वक्त, नीट पेपर लीक केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का नीट परीक्षा फिर से कराने से इनकार, ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। नीट एग्जाम कराने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दोबारा परीक्षा नहीं होगी, ये इस बात को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। दरअसल 24 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इस एग्जाम में बैठे थे और 1 लाख से ज्यादा सीटें थी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की दलील भी कह सकते हैं आपकी जो बातें या कहें कि दलीलों में जो बातें रखी गई थी दोनों पक्षों की ओर से कि इससे केवल कुछ स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है, लेकिन अगर दोबारा एग्जाम कराए जाते हैं तो कई लाख छात्र छात्राएं इससे प्रभावित होंगे। संभव ये दलील कारगर रही हो या फिर इससे सुप्रीम कोर्ट सहमत रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा फिर कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपनी सुनवाई में कह दिया था कि परीक्षा दोबारा कराए जाने की बात तब तक नहीं कही जा सकती जब तक कि मजबूत आधार ना हो, और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी।
दरअसल पेपर लीक होने के बाद लगातार छात्र छात्राएं दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी थे और इसी को लेकर कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज सुनवाई पूरी हो गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी, नीट परीक्षा फिर कराने से इनकार कर दिया है। दरअसल कई याचिकाएं ऐसी भी थी जो ये चाहती थी, जिनके जरिए स्टूडेंट चाहते थे कि फिर से नीट एग्जाम कराया जाए। दरअसल अगर दोबारा एग्जाम होता है तो फिर सेशन लेट हो सकता है। 1 लाख से ज्यादा सीटें हैं, 1,08,000 करीब सीटें हैं मेडिकल की और उनमें से 25,000 से 30,000 सरकारी कॉलेजेस की हैं। तो बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल से। अगली बड़ी खबर आपको बता दें जहां 3 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कटनी कलेक्टर रवि प्रसाद को हटाया गया है और कटनी के नए कलेक्टर होंगे अब दिलीप कुमार यादव, तो कटनी के कलेक्टर हटा दिए गए हैं। अदिति गर्ग को मंदसौर का कलेक्टर बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 3 IAS अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं, कटनी कलेक्टर थे रवि प्रसाद, उन्हें हटाया गया है, उनकी जगह दिलीप कुमार यादव को नया कलेक्टर बनाया गया है। जबकि मंदसौर कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं, अब अदिति गर्ग मंदसौर की कलेक्टर बनाई गई है।